हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हर्ष कैसेट। गाइस, जितने भी प्रभास अन्ना सर के फैन है, सालार सीज फायर पार्ट वन के फैन है ना, तो लिटरली यार काफी शॉक्ड बैठे हुए, क्योंकि मूवी की टीम की तरफ से उसी के साथ साथ ओवरसीज की जो एडवांस बुकिंग चल रही है ना, उससे काफी तगड़ा वाला भाई सब पागल हुए पड़े प्रभास अन्ना सर के फैंस। और गाइस, काफी लोगों ने मुझे बोला है कि हर्ष भाई, इसके एक्शन सीक्वेंस का कुछ अपडेट दे दो। आज से 4 दिन पहले आपने एक वीडियो शेयर किया था, उसके बारे में कुछ अपडेट शेयर कर दो। तो गाइज, मैं आप लोगों को बताऊं, अभी इतना तगड़ा अपडेट लेकर आया हूं सालार के एक्शन सीक्वेंस से रिलेटेड। अगर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा ना, तो आप यही बोलने वाले कि बाप रे बाप, डायरेक्टर प्रशांत नील सर ने ये क्या प्लान कर दिया, वो भी अपनी सालार मूवी के इंटरवल में। अब गाइस, क्या अपडेट निकल कर आ रहा है इसके एक्शन सीक्वेंस से रिलेटेड, मैं सब बताने वाला हूं। लेकिन वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि जल्द से जल्द 6000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाए। तो चलिए जान लेते गाइस, आफ्टर 10 डेज के बाद सालार मूवी का ऑफिशियल ट्रेलर देखने को मिलने वाला है, वो भी बाप लेवल पे। और उसी के आफ्टर 31 डे के बाद हम इसे थिएटर में एंजॉय कर सकेंगे। और गाइस, ये जो अपडेट मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं ना, इस पे टोटल मैं 2 वीडियो बना चुका हूं। आज से 3 मंथ पहले भी बनाया था, यानी कि 7 अगस्त को, और आज से 3 दिन पहले भी मैंने एक बनाया था, यानी कि 18 नवंबर को, यानी कि 18 नवंबर को, जिसमें कि आप लोगों के साथ मैंने ये चीज शेयर की थी कि प्रभास अन्ना सर इंटरवल में काली माता के अराउंड फाइट करने वाले, एक्शन सीक्वेंस करने वाले, वो भी बाप लेवल पे, जिसे देखने के बाद आपका गूज बम इस लेवल पे टूटकर गिरने वाला है कि आप बोलेंगे कि भाई साहब, प्रभास अन्ना सर ने इंटरवल में इतनी तबाही मचा दी है, तो क्लाइमेक्स में क्या करने वाले हैं, मतलब कि बाप लेवल एक्शन सीक्वेंस में क्या करने वाले हैं। तो गाइस, मैंने आज से 3 दिन पहले ये अपडेट शेयर किया था, लेकिन उसमें मैंने आप लोगों के साथ ये शेयर नहीं किया था कि उस समय इंटरवल के उस एक्शन सीक्वेंस में कि प्रभास अन्ना सर यानी कि एज अ सालार किससे फाइट करने वाले हैं। तो गाइस, आप लोगों को स्क्रीन पर देखने को मिल रहा होगा जी, सालार मूवी के जो लीड विलन है, जिनका जो नाम है पृथ्वीराज सुकुमारन सर, यानी कि वरदराज मन्नार, तो आप लोगों को प्रॉपर देखने को मिल रहा होगा। अगर आपने गाइस जो पहला पोस्टर आया था पृथ्वीराज सुकुमारन सर का, हैप्पी वाला बर्थडे वाला पोस्टर आया था, जिसमें कि आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा। यहां पर अगर आप चीज को देखेंगे तो यहां पर उनकी आंखों पर कट देखने को मिल रहा है, एकदम प्रॉपर तरीके पे, काफी डेडली लेवल पे। और जो दूसरा पोस्टर आया था, जो अभी रिसेंटली बर्थडे पर जो आया था, उस पोस्टर में अगर आप देखेंगे तो यहां पर देख रहा होगा, आप लोगों को स्क्रीन पर देखने को मिल रहा होगा, एकदम क्लीन देखने को मिल रहा है, एकदम क्लीन देखने को मिल रहा है, यहां पर कोई भी कट वट देखने को नहीं मिल रहा है। तो आप लोग देख सकते हैं कि अब जो अपडेट निकल कर आ रहा है, वो अपडेट ये निकल कर आ रहा है कि प्रभास अन्ना सर जो फाइटिंग करने वाले इंटरवल के सीक्वेंस में, वो करने वाले पृथ्वीराज सुकुमारन सर के साथ, यानी कि सालार के लीड विलन वरदराज मन्नार के साथ करने वाले। और मैंने वेपन्स के बारे में भी तो आप लोगों को बताया था कि उनके हाथ में एक त्रिशूल और छुरा होने वाला, और ये जो कट होने वाले, ये जो कटिंग दिख रही है पृथ्वीराज सुकुमारन सर की आंखों के ऊपर, ये आपको प्रॉपर तरीके से भाई साहब छुरे की तरीके से ही दिख रही, क्योंकि छुरा ही इस तरह की तरह से काटता है। गाइस, ये देखने को, मतलब कि ये जो है ना, ये जो फाइटिंग सीक्वेंस है, लिटरली गाइस ये तो समझ नहीं आ रहा है, लेकिन ये समझ में आ रहा है कि इंटरवल को पूरा तबाह करके रखने वाली है। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये मूवी की टीम ने, सोर्सेस ने भी कंफर्म किया कि इंटरवल का जो एक्शन सीक्वेंस होने वाला है, इतना बाप लेवल का होने वाला है कि कोई भी इसे टच तो छोड़ो गाइज, मतलब कि कोई हाथ तक नहीं पकड़ सकता। और गाइज, ये जो अपडेट मैंने आज से 3 मंथ पहले भी शेयर की थी ना, तो तब मुझे काफी लोगों ने बोला था कि हर्ष भाई, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, माता काली के अराउंड नहीं होने वाला है। तो गाइज, अब देखें कितना सच होने वाला है, कितना सच नहीं होने वाला है, ये तो मैं नहीं जानता। लेकिन गाइज, ये जो फाइटिंग सीक्वेंस, जो इंटरवल का फाइटिंग सीक्वेंस जो निकल कर आया, और जो दोनों पोस्टर मैंने आप लोगों के साथ शेयर करे, जिसमें एक में कट था यहां पर प्रॉपर तरीके से, और एक में कट नहीं था, जो रिसेंटली पृथ्वीराज सुकुमारन सर का बर्थडे विशन पोस्टर आया था, तो उसमें उनके फेस पर कट नहीं था। तो गाइज देखें, इंटरवल का फाइटिंग सीक्वेंस काफी शॉकिंग होने वाला है, मतलब कि आपको प्योर गूज़बम्प देने वाला है। बाकी देखते हैं क्या होने वाला है लिटरली गाइस, लेकिन मैं तो काफी अल्ट्रा एक्साइटेड बैठा हूं कि कब ये थिएटर में आए और कब हम एंजॉय करें। बाकी ट्रेलर तो आफ्टर 10 डेज के बाद आने वाला है, जिसमें कि इजीली क्लियर होने वाला है
कि बाप कौन होने वाला है और बेटा कौन होने वाला, और कॉम्पिटिटर हेटर्सों की तो माँ बहन होने वाली है। बाकी गाइज आप लोग हमें बताएं सालार सीज फायर पार्ट वन के लिए आप कितने ज्यादा एक्साइटेड है और आपके क्या ओपिनियन है प्रभास अन्ना सर के बारे में, सालार के इंटरवल के फाइटिंग सीक्वेंस के बारे में जो कि हो सकता है वरदराज मनार यानी कि पृथ्वीराज सुकुमारन सर के साथ, क्या लगता है फाइटिंग सीक्वेंस छोटा मोटा होने वाला है या तबाही वाला होने वाला है, अपने ओपिनियन भाई कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो को अगर आपने लाइक नहीं किया लाइक कर दीजिएगा, शेयर नहीं किया तो शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा जिससे कि आपका भाई इंस्पायर्ड और मोटिवेट होता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से एक न्यू अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।